देखिए स्नाइन के स्नाइन वीडियो में आपका स्वागत है। और स्नाइन वीडियो में आपको बताऊंगा नोकिया G21 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, या कहे कि नोकिया G21 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। वैसे नोकिया का जो भी कीपैड पहले का मोबाइल होता था, लोग पहले के समय काफी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस समय नहीं करते क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे ब्रांड है स्मार्टफोन की जो की काफी सस्ते मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन नोकिया का भी स्मार्टफोन काफी बढ़िया होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़िया होता। इसका कुछ जैसे चीजें काफी बढ़िया होता है, कैमरा का जो मेगापिक्सल कम देता है, लेकिन जो इसका कैमरा क्वालिटी होता है काफी बढ़िया का। क्योंकि अगर आज भी आप नोकिया का कोई भी कीपैड मोबाइल अगर उठा लेंगे ना, उसका कैमरा ओपन करेंगे ना, कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया होता है। तो जैसे कि इस वीडियो में आपको इसका स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और जैसे कि स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं ये बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं नोकिया G21 का जो स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैक जो कि इसका इमेजेस है या फ्रंट और बैक से वो दिखा दे रहा हूं कैसा स्मार्टफोन आपको देखने में लगेगा। तो जैसे कि ये ब्लू कलर वाला है तो आपको फ्रंट में कैमरा मिलेगा आप देख सकते हैं जो कि 8 मेगापिक्सल का होगा, और साइड बार में ना आपको फिंगरप्रिंट टच सेंसर मिलेगा और फेस लॉक होगा। और जैसे कि मोबाइल में ऐसा बताया जा रहा है कि इस मोबाइल में आपको 5050 का एमएच बैटरी लगा होगा, और साथ ही साथ आपको ना बैक साइड में जो कैमरा लगा होगा वो 50 MP का होगा। तो देख सकते हैं बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेगा और 1 फ्लैश देखने को मिलेगा, और लिखा भी है 50 MP जो कि मेगापिक्सल होता है। और पीछे नोकिया का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, जैसे कि मोबाइल काफी बढ़िया है, ऐसा नहीं मोबाइल बढ़िया नहीं है। और जैसे कि अगर यह स्मार्टफोन आप ना 4 GB और 64 GB इंटरनल के साथ परचेस करेंगे तो यह स्मार्टफोन आपको लगभग 13,000 रुपए पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे कि अगर आप ICICI बैंक से परचेस करेंगे, वैसे नॉर्मली हर किसी के पास ICICI का बैंक अकाउंट नहीं होगा, लेकिन जिसके पास होगा 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे कि अगर आप इस वेरिएंट खरीदेंगे इतना होगा, और जैसे कि अगर आप 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल के साथ परचेस करेंगे तो इसमें आपको 2,000 ज्यादा देना होगा, 15,000 रुपए, तब आपको स्मार्टफोन या जैसे कि उसमें 6 GB रैम होगा 128 GB इंटरनल होगा, लेकिन उसको जब परचेस करेंगे ना तो आपको 1500 का कूपन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि प्राइस 1500 कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि इस स्मार्टफोन में बताया जा रहा है जो बैटरी है वो लगभग कम से कम 3 दिन तक चलेगा। और जैसे कि जो मेन चीजें हैं मैं आपको यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे कि मोबाइल का 2 कलर है, एक है नॉर्डिक ब्लू जो कि ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर नॉर्मली ये वाला कलर है, और दूसरा वाला ये कलर है जो कि डस्क कलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डस्क वाला कुछ ब्राउन कलर का आपको देखने को लगेगा, लेकिन दोनों कलर काफी बढ़िया है। जो खासतौर पर मुझे अच्छा लगा है ये ग्रीन वाला बढ़िया लगता है मुझे, ये असल में ब्लू है, आई एम सॉरी ये ब्लू वाला कलर है। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस मोबाइल में क्या है कि जो MH जो डिस्प्ले साइज होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6.5 डिस्प्ले साइज है, और इस मोबाइल में आपको 19 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो ठीक है 19 Hz या कहें कि 90 Hz। और साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे इस मोबाइल में ना जो आपको OS मिलेगा उसका आपको ना एंड्रॉइड जो कि OS होगा इसमें 2 साल का उसका अपडेट मिलेगा, और 3 साल तक का इसका सिक्योरिटी का अपडेट मिलेगा। इसमें जो भी सिक्योरिटी होगा 3 साल तक का उसका अपडेट मिलेगा। और इस मोबाइल में जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है पावर्ड बाई यूनिकॉर्न T606 प्रोसेसर बताया गया है। इस मोबाइल में जो भी प्रोसेसर होगा उसके बारे में बताया गया है, और जैसे कि मैंने साइड बार फिंगरप्रिंट के बारे में बताया था और फेस लॉक के बारे में यह पहले से ही होगा। और जैसे कि मैं नीचे यहाँ पर आपको कुछ पिक दिखा दे रहा हूँ जो को आपको काफी बढ़िया लगेगा, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सही है और ठीक ठाक है। वैसे कैमरे के मामले में नोकिया नंबर 1 है, नंबर 1 नहीं लेकिन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन जो रेडमी उडमी कैमरा नॉर्मल होता है 10,000-12,000 उससे कई गुना बेहतर होगा नोकिया का। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन में काफी बढ़िया है, कलर भी लगभग इसका 2 ही कलर है लेकिन बढ़िया कलर है दोनों। और जैसे कि यहाँ पर काफी सारे पिक्स देख सकते हैं, और जैसे कि और हाँ इसमें जो आपको एडाप्टर मिलेगा वो 10 वाट का होगा, और इसमें सी टाइप का केबल लगेगा, सी टाइप का,
और जैसे कि इस मोबाइल में आपको यहाँ पर मैं मेन चीजें आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि जो जैक लगता है नॉर्मली 3.5 mm का जैक ही लगता है हर मोबाइल फोन में। और जैसे कि इस मोबाइल को मैन्युफैक्चर किसने किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनटेक मोबाइल कम्युनिकेशन, और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। इस मोबाइल का ज्यादा वेट नहीं है, 191 ग्राम है। तो जैसे कि ठीक है, मोबाइल का प्राइस भी लगभग ठीक है, तो लगभग 13,000 के अंडर है। अगर आप ICICI परचेज करेंगे तो एक साल का 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप 6 GB RAM 128 GB का परचेज करेंगे तो आपको उसमें 1500 का कूपन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 1500 माइनस हो जाएगा। और जैसे कि अगर आप मोबाइल परचेस करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मोबाइल में या मोबाइल के साथ, तो जैसे कि आपको मोबाइल मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, और इसमें ब्रिक बताया गया है जो कि शायद मेरे ख्याल से ब्रिक इक्वल टू जो कि बैटरी होगा वो होगा। और इसमें बताया गया है जो कि मुझे ठीक से नहीं दिख रहा, वो 5V2A है ये करके है कुछ है, चार्जर करके, और सी टाइप का चार्जर मिलेगा, और क्विक गाइड मिलेगा, और सेफ्टी बुकलेट मिलेगा, और TPU जेली कवर मिलेगा। तो जैसे कि मेरे ख्याल से यह ठीक मोबाइल है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है। तो यह जो और ये बात, यह जो मोबाइल 4G है उसे इसका जो डिजाइन है काफी बढ़िया है, आप देख सकते हैं लगभग डिजाइन सही है, कैमरा का जो शेप है सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि सही नहीं है। प्राइस भी लगभग ठीक है, लगभग 15,000 के अंडर है। अगर जैसे कि आप 12,000 तक मिल जाएगा अगर आप ICICI से परचेस करेंगे तो, और अगर आप 6 GB RAM 128 GB तक परचेस करेंगे तो आपको जैसे 15,000 में अगर वो डिस्काउंट करेंगे 1500 का कूपन, तो लगभग आपको पड़ जाएगा 13,500 रुपये का। उसमें 6 GB RAM मिलेगा, 128 GB इंटरनल मिलेगा, और कैमरा जो भी है काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस लगता है इस वीडियो को में लगभग इतना ही, और कमेंट करना वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़।